हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चुनाव सुधार के बारे में। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, चुनाव सुधार की, और चुनाव सुधार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोग देखेंगे। चुनाव सुधार से संबंधित जो आपकी समितियां रही हैं, अभी तक आयोग रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सन 2000 से पहले चुनाव सुधार किस प्रकार था और 2000 के बाद चुनाव में क्या क्या सुधार हुआ, उसे भी हम लोग देखेंगे। भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना क्यों की जाती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और आगे की राय क्या हो सकती है, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालत के लिए दोषी करार देते हैं, लेकिन क्या है? यह प्रणाली भाव शून्यता में काम कर रही है। जानकारों की माने तो इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिए समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनाव सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाए, इसके जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। यह चुनाव प्रक्रिया ही जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावित बनाती है। इस आलेख में हम ना केवल चुनाव प्रणाली की दरारों एवं खामियों पर चर्चा करेंगे, बल्कि चुनाव सुधार की दिशा में वर्क इन प्रोग्रेस कि छदम आवरण से बाहर निकलकर ठोस समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं चुनाव सुधार की आवश्यकता आखिर क्यों है। राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं, फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते। भारतीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया। समझ में आया? जो जब सत्ता पक्ष में होता है तब वो उसका फायदा उठाता है, और जब वो विपक्ष में पहुंचता है तो उसकी बुराइयां करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। परिणाम स्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली की एक बड़ी समस्या है। प्रायः निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिए किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी ना होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि। अब देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने के बीच कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उन्हें भी देखते हैं। प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक
रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देती। वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय, शैक्षिक योग्यताओं का विवरण नहीं देते। आपने देखा होगा कि अधिकतर उम्मीदवार जो जीतते हैं वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबे चौड़े तरीके से होता है। जो जितना दागी होगा, चुनाव की यही एक प्रक्रिया बन चुकी है कि जो जितना दागी होगा, जो जिस पर जितने करप्शन के चार्ज होंगे वही चुनाव में जीतने की उसकी उम्मीद रहेगी। ठीक है, अगर कोई एक साधारण इंसान खड़ा कर दिया जाए तो वो जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक कोई अगर एक बार जेल चला गया, अगर एक उसने मर्डर कर दिया तो वो पक्का जीत चुका है। आज की ये एक हमारे समाज की क्रिया बन चुकी है। आगे बात करते हैं चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका। हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन को क्रिया से दूर होता जा रहा है। सबसे निचले स्तर पर देख लीजिए आप लोग कि एक सरपंच या प्रधान अगर 25 से 30 लाख रुपए चुनाव जीतने में खर्च करता है तो मुझे लगता है वो उसके बाद काम तो करता भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जितना 25-30 लाख उसने खर्च किया उसके वो दुगने तो कमाता होगा। वो जब कमाएगा तो जनता का क्या ख्याल रखेगा? वो जनता की भी यही हकीकत बन चुकी है कि पैसे बिना वो चलती ही नहीं है, खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पटकती रहती है। फिर ना उसे इससे मतलब कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या कहाँ डले हुए। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बड़ा है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करता है। हिंसा, धमकी, बूथ कैप्चरिंग में बाहुबली की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए और उन पर कार्रवाई ना की जाए। आज से कुछ समय पहले क्या होता था कि यही जो अपराधी होते थे ये नेता को सपोर्ट करते थे। कोई अगर नेता बड़ा खड़ा हो रहा है तो अपराधी पीछे से सपोर्ट करते रहते थे। फिर इन अपराधियों का दिमाग खुला और इनके दिमाग में आना विचार हुआ कि जब हम दूसरे को जिता सकते हैं, दूसरे को संसद में पहुंचा सकते हैं, तो खुद ही वहां क्यों ना पहुंच जाए, खुद ही राजनीति क्यों ना करें। तब से अपराधी अब राजनीति में हो गया। इसे हम लोग अपराधी राजनीति में अपराधीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें राजनीति में अपराधी आ चुके हैं। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिए इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है, उसके वोट काटे जा सकते हैं। ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं या जाति समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं, जिन्हें स्वायत्त क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिए जाते हैं। जाति आधारित राजनीति देश की बुनियादी और एकता पर प्रहार कर रही है। आज जाति चुनाव में जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर ना होकर जाति के पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। मुझे इस बार का दिल्ली का चुनाव बहुत अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगा हो या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन को जन्म दिया। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अब बात करते हैं चुनाव सुधार से संबंधित समितियां और आयोग अभी तक जो बनाए गए उन्हें देखते हैं। विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनावी प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की और सुधार के सुझाव दिए। ये समितियां एवं आयोग निम्नलिखित हैं। तारकुंडी समिति 1974-75 में आई,
चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति 1990, राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति 1993, चुनाव में राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999, चुनाव सुधार पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट 2004, शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली की समिति 2007, चुनाव कानून और चुनाव सुधार पर तनखा समिति 2010। इन समितियों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें डालने के लिए ये समितियां हो जाएंगी। ठीक है, उपयुक्त समितियां एवं आयोगों की अनुशंसा पर के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। निम्नलिखित दो कालखंडों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है, वर्ष या सन 2000 से पूर्व चुनाव सुधार और वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार। तो हम बात करते हैं वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार, सन 2000 से पूर्व का जो चुनाव सुधार हुए उन्हें देखते हैं। संविधान के 61वें संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। याद रखिए 1989 से पहले आपकी जो मतदाता, अभी जो आप लोग 18 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो आप वोट देने के हकदार हो जाते हैं, लेकिन 1989 से पहले ये आपकी 21 वर्ष थी। क्या थी? 21 वर्ष थी। जैसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चुनाव कार्यों में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10% का इजाफा किया गया। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का मान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगन न होना। इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनावी सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रचलन आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। अतः सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा EVM को तैयार किया गया। दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें आयोग को EVM मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया। प्रयोग के तौर पर EVM की पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली के चुनाव के दौरान किया गया था। वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का पूरे राज्य में प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है। एग्जिट पोल का मतलब हुआ कि बता देते हैं कि कौन सीटें कितनी जीत रहा है, लगभग लगभग नहीं आ जाता है, कई न्यूज पेपर दे देते हैं एग्जिट पोल, वही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है। चुनावी खर्च पर सीलिंग। लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया, वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक है। फिर बात करते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद
पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज। चौथा है जागरूकता और प्रसार। युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला वर्ष 2011 से शुरू हुआ है। जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका 2011 से शुरू हुआ है। 20,000 रुपये से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी आपको चुनाव आयोग को देना होगा। अगर आप 20,000 रुपये से अधिक राजनीतिक किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो उसकी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होगी। पांचवा है आपका नोटा। वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द एबव, यानी कि आपके जो मतदाता उसमें जहां चुनाव में वोट डालने जाते हैं, अगर ईवीएम पर आपके 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं और 10 ही 10 में से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा पर भी अपना वोट डाल सकते हैं, यानी कि आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है। ठीक, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि वो अगर नोटा के वोट अधिक भी हो जाते हैं तो भी वो चुनाव कैंसिल नहीं होता है। एक सबसे बड़ी कमी मुझे इसमें यही दिखती है, क्योंकि अगर ऐसा होना चाहिए कि अगर नोटा पर ज़्यादा वोट डल जाते हैं उम्मीदवारों से, जो उम्मीदवारों को मिल रहे हैं जीतने वाले से ज़्यादा भी डल जाते हैं तो उस चुनाव को या तो रद्द कर देना चाहिए और उसमें एक व्यवस्था और लागू कर देना चाहिए कि जो भी वो खड़े हुए हैं 10 उम्मीदवार, ये दोबारा चुनाव ना लड़ सकें। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि जनता इन्हें पसंद ही नहीं कर रही है, तो इन्हें मौका क्यों दिया जाए आखिर। आगे बात करते हैं, यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था कि एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था, लेकिन इससे मतदाता के वोट ऑफ सीक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुंचता था। छठवां सुधार है मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल। यह ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाता को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक मुद्रित पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिसे मत दिया गया है। फिर बात करते हैं तकनीकी का प्रयोग। निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरी के डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को खत्म करने के लिए डुप्लीकेशन तकनीक लाना, मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना। आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कॉमेट नाम की प्रणाली विकसित की है। इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया। जीपीएस का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सीविजिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना आखिर क्यों की जाती है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, मतलब जिसके सबसे ज्यादा वोट हैं वही उम्मीदवार जीतेगा, अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। इसलिए जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं उन्हें कुल मिलाकर अच्छा खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उसके प्रतिनिधि जीत कर ना आए। ये राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन समूहों की आवाज़ सदन में अनसुनी रह सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में लगभग 20% और देश में
4.1% वोट मिली। परिणाम स्वरूप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर भी लोकसभा में उसके प्रतिनिधि नहीं था, उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है 2014 में। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुए इसमें ऐसे 10 सीटों के करीब मिले हुए हैं, वो 10 सीटें मिली हुई हैं, ठीक है, बहुजनवादी बहुजन समाजवादी पार्टी को। इसी प्रकार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 15% वोट मिले, लेकिन उसका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक प्रमुख दोष है। अब बात करते हैं आगे की, आखिर राय क्या हो सकती है। साफ सुथरे चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधार को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिए, इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। पेड न्यूज फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इनके जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है जिसका असर चुनाव पर साफ दिखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन के लिए आचार संहिता नियमित करनी आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श आयोजित करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख आर्टिकल, ठीक है।